अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम लोग आप लोगों से अपने नाश्ते के बारे में शेयर कर रहे हैं कि हर जगह की कोई ना कोई खासियत होती है, और हमारे यहाँ हलवा पूड़ी बहुत मशहूर है। और अब हम चलते हैं मम्मा की तरफ और वो बताते हैं आपको इस बारे में थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। क्या हाल चाल है आपका? लाइए मैं आपको ना निकाल के दिखाती हूँ, बच्चों को देती हूँ। ये देखें, ये हैं चने जो बच्चे पूड़ियों के साथ खाएंगे। तो आज ये बच्चे कह रहे थे कि हमने पूड़ियों के साथ चने खाने हैं तो हमें नाश्ता मंगा के दें, तो मैंने फिर ये नाश्ता मंगा के दिया इन्हें बच्चों को। तो यहाँ बच्चे शौक से ये खाते हैं पूड़ियाँ। ये इसके साथ ये हलवा भी आया है, तो यहाँ पे सलाद भी साथ मिलती है और ये चने भी मिलते हैं। ये पूड़ियाँ देखें कितनी प्यारी और नरम और पस्ता है पूड़ियाँ हैं, ये भी आप देख लें। और रमज़ान आने वाला है ना, तो रमज़ान में तो ये चीज़ें नहीं ना मिलती, तो मैंने कहा चलो बच्चे कह रहे थे दिल कर रहा है खाने को, तो मैंने फिर ना मंगा दी बाज़ार से पूड़ियाँ ने। तो अब ये देखें, ये बहुत शौक़ से इधर लोग आते हैं, हमारे मेहमान भी आते हैं, हम उसको भी मंगाते हैं। अब ये बच्चे खाते हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसे हमारी यहाँ की पूड़ियाँ होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो मैं आपको ना आप खा के दिखाती हूँ कैसा इसका टेस्ट है। ये देखिए बहुत मज़े की हैं, और भी ट्राई करें मंगा के अपने शहर की कैसी हैं। और ये बहुत अच्छी हैं पूड़ियाँ, जायका बहुत लजीज है, सस्ता भी है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।